एनएसयूआई हमीरपुर के छात्र नेताओं ने हमीरपुर कॉलेज के प्रधानाचार्य के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के निर्देश को हिमाचल विश्वविद्यालय लागू करने की सूचना नहीं दे रहा है, जिससे छात्र समुदाय भी असमंजस की स्थिति में है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन 48 घंटे के भीतर इस और कोई ध्यान नहीं देता है तो एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश 8 अक्टूबर के दिन बड़ा आंदोलन करेगी। इस मौके पर टोनी ठाकुर के अलावा शिवम धीमान, सौरभ भीर और राहुल भी शामिल रहे। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक इस संदर्भ में कोई अधिकृत सूचना नहीं जारी की गई है। उन्होंने कहा कि बकायदा द्वितीय और तृतीय वर्ष की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है, परंतु वो छात्र समुदाय भी असमंजस की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई लगातार छात्रों की एक सेमेस्टर की फीस माफ करने की मांग उठा रही है और यदि प्रशासन 48 घंटे के भीतर इस और कोई ध्यान नहीं देता तो एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश 8 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेगी। जैसा कि आज सभी को ज्ञात है कि आज एनएसयूआई हमीरपुर ने माननीय प्रिंसिपल महोदय जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। इस पत्र के अनुसार जो यूजीसी की गाइडलाइन जो जारी की गई थी उसमें फर्स्ट और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने का जो था वो फैसला लिया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभी तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है। तो जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं वो खुद को असमंजस की स्थिति में पा रहे हैं। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में बैठेंगे या सेकंड ईयर में बैठेंगे या थर्ड ईयर में बैठेंगे। तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से यह सौंपा है और साथ ही एनएसयूआई हमीरपुर ने यह मांग की है कि जो बच्चों की जो है वो 6 महीने की जो फीस है उसको माफ़ किया जाए। यदि सरकार इसके ऊपर जल्द फैसला नहीं लेती है तो 8 तारीख के दिन एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी प्रशासन का घेराव करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। तिरंगा।